गुलाम हुआ था, उसके पहले का मैं सारा भूल भी जाऊं कि पृथ्वीराज चौहान से 1857 तक क्या क्या बीता। 1857 की हमारी क्रांति विफल हुई थी, जिसको अंग्रेजों ने गदर कहा था। क्यों हुई थी उसकी विवेचना नहीं करते, परंतु आपको किताबें पढ़नी चाहिए। परंतु 1857 के बाद अंग्रेजों ने सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय शासन अपने हाथ में लिया, और 1860-61 के बाद जितने कानून अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करने के लिए बनाए, उन कानूनों से आज भी हमारे आज के अंग्रेज उनसे भी ज़्यादा लुटेरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, इस देश को 66 साल में लूटा है। हमारी हालत खराब हो गई है। एक रुपया और एक डॉलर कभी 1947 में जो बराबर होता था, आज वो 62 रुपये और एक रुपये की रेशो है। ये आज हमारी आर्थिक रूप से नैतिक पतन इतना हो गया कि इस देश में कितनी बिंदियाँ लगे, कितने करोड़ अरब रुपए किसी व्यक्ति को चाहिए। अभी गीत में भी आया था उसके अपने हरिओम पवार के, कि नोटों की कितनी हवस हो गई है। इस देश में वो लोग आज मंत्री हैं जो 1,65,000 करोड़ के घपले को, स्कैम को हाथ बनाकर फिर जीरो बनाते हैं कि कोई घपला हुआ ही नहीं। 9,00,000-10,00,000 करोड़ का कोलगेट स्कैम हो जाए, उसके बाद भी इस देश की सेहत पर असर नहीं पड़ता। 1,000-2,500 करोड़ की तो चर्चा ही नहीं। जिस देश में 80s में 67 करोड़ के घपले पर पूरा देश जाग गया था, और एक अच्छे प्रधानमंत्री को केवल अपने ससुराल के कुछ लोगों के कारण प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, केवल बोफोर्स गेट का स्कैम जो स्कैम था, स्कैंडल था, 67 करोड़ मात्र का था, और आज हम देखें तो रोजाना की एवरेज इससे ज़्यादा है। इस देश के इससे बड़े दुर्भाग्य के दिन क्या चलेंगे कि इस देश के किश्तवाड़ में आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, सेनाओं के ऊपर लगातार हमले हों, और हम कहें कि कोई खास बात नहीं, चाइना 20 किलोमीटर अंदर आ जाए वापस चला जाए तो हमारे ऊपर कोई सेहत पर असर नहीं पड़ता। देश की सीमाएं खतरे पर, देश के अंदर 200 जिलों के अंदर नक्सलवाद मार्क्सवाद बढ़ गया, या सरकार उनकी चलती है, सरकार की सरकार नहीं चलती। इन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए कौन आएगा? आप लोगों को ही, हम सबको ही आगे आना पड़ेगा, और याद करना पड़ेगा कि 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को इस देश का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान का निर्माण एक दिन पहले हुआ था। 30% हमारी भूमि हमसे काटकर पाकिस्तान और जिसका आज का बांग्लादेश है वो बना दी गई थी। 15% और भूमि काटने की साजिश थी। सरदार पटेल ना होते तो आज हैदराबाद का निज़ाम का एक अलग पाकिस्तान होता, जूनागढ़ का एक अलग पाकिस्तान होता, और भारत की बहुत सी रियासतें स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना करते थे। परंतु सरदार पटेल की दूरदृष्टि से सारे देश को एक किया गया। कश्मीर की समस्या हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के जिम्मे थी, और उन्होंने उस समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके उस समस्या के नासूर को आज तक हम भुगत रहे हैं। 1,000 स्क्वायर किलोमीटर उसकी भूमि में पाकिस्तान का कब्जा है, और पाकिस्तान ने उस कब्जे वाली जमीन को चाइना को दे दिया। आज चाइना हमारे बहुत नज़दीक हमें घेरने की पूरी साजिश है, और घेरने में इतना कामयाब हो गया है कि जिस दिन वो चाहे 4 घंटे के अंदर इस देश की सारी कम्युनिकेशन व्यवस्था ठप हो सकती है, उसके ठप होने से सारी बिजली वितरण ठप हो सकती है, सारी कम्युनिकेशन और बिजली ठप हो जाए तो सारे एयरपोर्ट, सारे हमारे रेलवे, सब कुछ स्टैंड स्टिल हो सकता है। केवल 4 घंटे के अंदर आज की टेक्निक से हमारे देश को पंगू बना सकता है, और हम देश के लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर केवल अपने में लगे हुए हैं कि मेरा, मेरी पत्नी का बहुत ज़्यादा सोचने, तो बच्चों का धीरे धीरे मुझे लगता है उसमें भी कमी आती जा रही है। हम केवल अपने बारे में सोचने वाला मुल्क बन गया। कहाँ लाला हरदयाल जैसे लोग थे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में कदर पार्टी बनाकर इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना जीवन दिया, हथियारों को खरीद कर भारत भेज देते। वीर सावरकर थे जिनको 2 जन्म का कारावास दिया था, तो हंस के उन्होंने कहा था, अंग्रेजों आप पुनर्जन्म को नहीं मानते, परंतु 2 जन्म का कारावास दिया है तो एक बार तो आपने मान ली कि दूसरा जन्म होता है। वो हर बात को हंसी में, जीवन को भी हंसी में त्यागते थे, और आज हम जीवन के लिए कितने अपने आप को लाचार हो गए।